तो चेकअप के लिए हम जा रहे हैं रानीखेत, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसकी हालत आपको पता ही है कितनी दुरुस्त है, इसलिए हम यहाँ ना चेक करा के उनको कुमाऊं क्षेत्र में ले जा रहे हैं रानीखेत। ये है रानीखेत का नजारा, सामने जो है बढ़िया हिमालय पर्वत श्रृंखला दिखती है। गए हैं हम रानीखेत, तो अंदर चेकअप के लिए नंबर लगा दिया है उन्होंने। रानीखेत आए हुए हैं हम, तो हमने सोचा कि क्यों ना कैंटीन जाया जाए। सामान इतना ज्यादा हो गया था कि हमारे पास रखने के लिए बैग नहीं था, तो एक बैग भी ले आए हैं हम, ये लाल वाला। मालकोट से सफर हो गया है प्रारंभ। मेरा मुख्य बैग था जिसमें कैंटीन का सारा सामान था, वो हमारे बल्लू भाई लेके गए हैं। क्यों उसकी ऐसे से कर नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में आने हैं व्लॉग में। दगड़ियों सुबह के 8:30 बज रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं मालकोट में। अभी फिलहाल जा रहे हैं हम रानीखेत की ओर, विक्रम भाई की जो वाइफ है फैमिली है उनके ज़रा चेकअप है। चल तो चेकअप के लिए हम जा रहे हैं रानीखेत, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसकी हालत आपको पता ही है कितनी दुरुस्त है ना, इसलिए हम यहाँ ना चेक करा के उनको बिल्कुल कुमाऊँ क्षेत्र में ले जा रहे हैं रानीखेत। तो बस मालकोट पहुंच गए हैं, करते हैं यहाँ से सफ़र। 2.5-3 घंटे लगेंगे हमको या 2.5 घंटे लग सकते हैं, और फिर पहुंचेंगे हम रानीखेत। सर मालकोट तो पहुंच गए हैं, अब करते हैं यहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ। तो दगड़ियों पहुंच चुके हैं हम रानीखेत, और ये बेचार पानी कैसे मैं इसे जगह देने में। तो ये है सोमनाथ ग्राउंड से नहीं जल्लाद ग्राउंड बोलन मिले हैं ये हो सोमनाथ। हाँ यार सोमनाथ युद्ध स्मारक भगवान जो है रानीखेत का बाजार उधर को बाकी घर वगैरह, और ये सामने बाजार वन वे ट्रैफिक। हम तो इस तरफ भी जाएंगे ना। हाँ क्योंकि दगड़ियों ये है वन वे, तो यहाँ पे सिर्फ अस्पताल वालों को ही जाने देते हैं। हम तीर जाना हम से नीचे ना टेम्प घुजल घुजल आ जाओ। तंग गलियां ये है दगड़े पार्किंग, यहाँ हम खड़ी करेंगे अपनी गाड़ी। तो दगड़े पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो गई है, और ये देखो सेठ रतनलाल साह गंगोला प्रवेश द्वार रानीखेत मिशन इंटर कॉलेज रानीखेत। ये देखो ये है रानीखेत का नज़ारा, ये देखो वो बिल्कुल उधर तक। और हम जा रहे हैं फिलहाल प्राइवेट क्लिनिक में, इधर ही है आगे गली में, क्योंकि सरकारी के लिए तो समय बहुत हो गया है, 10:43 हो गए हैं सरकारी के, वहाँ तो बहुत मुश्किल से बारी आएगी। लेकिन यहाँ सामने जो है बढ़िया हिमालय पर्वत श्रृंखला दिखती है, लेकिन आजकल धुंध बहुत है। ये देखिए हल्की हल्की दिख भी रही है, देखो आप पूरे चारों तरफ पूरा श्रृंखला दिखती है, लेकिन आजकल तो धुंध ही बहुत है क्या बताएं। चलिए हम जरा क्लिनिक जाके आते हैं। बैकग्राउंड दे या बैकग्राउंड दे या बैकग्राउंड दे बैकग्राउंड दे, बाद में वो नहीं जाऊँ हम बोलते कैंटीन जान, इनको वहाँ छोड़ के आते हैं ना। तो दगड़ियों पहुँच गए हैं हम रानीखेत पॉली क्लिनिक, जरूरी बाजार रानीखेत में। तो अंदर चेकअप के लिए नंबर लगा दिया है उन्होंने, और इसके बाद हम चलते हैं कैंटीन। तो दगड़ियों रानीखेत आए हुए हैं हम, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक चक्कर कैंटीन जाया जाए। चलिए कैंटीन चलते हैं, कुछ सामान मिलता है अगर तो उठा लेंगे, है ना। बाकी इस बाजार का नाम है जरूरी बाजार, अब हम मेन बाजार में जाएंगे ऊपर। भैया जी जरा साइड देना, चलो
अब निकलते हैं मेन चौराहे पे जहाँ से मंदिर आए थे, फिर वहाँ से जो है राइट साइड को जाएंगे हम। ये बार भीड़ बहुत चला, खाली कच कच यार, खुला खुला जोर शरा शट चलो भी यार। यस बुढ़िया खड़ हुई हूँ, यस दूसर गेड़ लगी खुटजाल नारा था, बोलल कि भाई तुम्हारी गलती है। घूमल था पूरा, बिल्कुल नियमों का पालन की छोटकड़ा चक्कर में जो बदमाश हो बेचारा खुजाल भूख जय करके मस्त खे करके। तब पहले बताओ जी तेरा माथ के मिला ना, तब देखो था कुछ टाइम पास झेलो चम चम खाण। और ये है दगड़ियों सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग, लेकिन यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा होती है क्या बताएं। और हम अब कैंटीन की ओर अग्रसर हैं। ये धर तो दगड़ियों कैंटीन से आ चुके हैं वापस। तो कैंटीन का सामान इतना ज़्यादा हो गया था कि हमारे पास रखने के लिए बैग नहीं था, तो एक बैग भी ले आए हैं ये लाल वाला, इसमें सामान पैक है कैंटीन का। ये तो खाली भी हम अभी जो, चलो अब चलते हैं। तो दगड़ियों फ्री हो चुके हैं यहाँ से, और विक्रम की वाइफ का चेकअप भी हो गया है, वो भी मार्केट पहुँच गई है। तो फटाफट चलते हैं अभी हम चौबटिया खाल। चौबटिया खाल की चौबटिया सीन होगा सर, चौबटिया खाल हो चौबटिया हो चौबटिया चौबटिया आ रखे चौबटिया चौबटिया खाल नहीं चौबटिया। तो दगड़ियों 2:30 बज रहे हैं और अभी निकल रहे हैं हम रानीखेत से घर की ओर। और बस ये अभी सोमनाथ ग्राउंड को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। अग्निवीर भर्ती भी देखी हुई थी, कुमाऊं माता अग्निवीर ज्वाइनिंग होने वाला था 9 तारीख गढ़वालो, अभी तक ड्रेस नहीं हुई। तो दगड़ियों द्वाराहाट और चौखुटिया के बीच में रोड बन रही है, तो यहाँ पे जाम लगा हुआ था, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि जाम खुल गया है। बड़ी अजीब तरीके से गाड़ी निकाल रहे हैं यार, बसों में खड़े हुए हैं और गाड़ी वाले साइड से निकाल रहे हैं, इसका मतलब बस वाला साइड दे रहा है। चलो बढ़िया टल पड़ी है दगड़ियों वो गाड़ी, फिर रुक गई है, रुक रुक के चलती है गाड़ी अपनी। यहाँ काम चल रहा है रोड का, हाँ 3 छोटी गाड़ियाँ निकल गई है, एक बस और 2 गाड़ी हमारी है, पीछे है गाड़ी, हाँ पीछे भी ना, पीछे नहीं है फिलहाल। चलो क्या करते साफ है, ये रोड़ा सफाई करने क्योंकि रोड बन उड़ा गया। अरे ये बन गया ना यहाँ पे देख, हाँ मनी मनी बना दो खाली कोलता वाले ऊर वाले यार वहाँ पे। ओह जे बिडोली बपो कतार तो बहुत लंबी है दगड़े, वो आगे तक ग्रोटिंग थी ना करी मार अभी ग्रोटिंग नहीं करी ये इधर ऐसे मैं अब तो नहीं कर रहा, लंबी कतार है दगड़े गाड़ियों की लंबी कतार। दो तरफा लंबा जाम लग गया है दगड़ियों, पीछे भी आगे भी देखो हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले से ट्रैफिक में गाड़ियाँ भी चलती हैं। तो दगड़ियों एक साइड की रोड तो खुल गई है और इसी के साथ हमारे साइड की भी खुल गई है, बस जय हो प्रभु। और नई नई रोड बनी है तो टायर पे ऐसी आवाज़ें आ रही है ना, अच्छा यार रोड लग रही है, हम खड़े हैं
तो दगड़ियों यहाँ पे फंसी है गाड़ी, ये लोन थोड़ा इधर उधर गाड़ी खड़ी हो रखी है ना उसकी, तो बस वाला सेंटर को बचा रहा है, सेंटर को वो देख। अरे वाह, ये कौन था भाई होशियार आदमी, दो तरफ गाड़ी लगा रखी है, इसको तो अलग से सल्यूट मारो, इन्होंने साइड फंसा रखी है गाड़ी। वाह, अब यहाँ से रूट चेंज हो गया दगड़ियों, अब हम फॉरेन देश वाले रूल में चले गए हैं। क्यों? अब लेफ्ट नहीं, अब हम राइट राइट साइड ड्राइव करेंगे, हम लेफ्ट साइड ये ड्राइव करेंगे, नियम बदल गए हैं दगड़ियों आज से ना तुरंत। बड़ा अजीब लोग भाई इनकी घर से हूँ मैं ना, क्योंकि बहुत अंदाज नहीं होना अब उतरा बता मैं अंदाज जो। चलो जय श्री राम, आप सबका ही भला करे प्रभु, खुल गया है जाम। तो दगड़ियों पहुंच चुके हैं हम मालकोट में, तो दगड़ियों मालकोट से सफ़र हो गया है प्रारंभ, बाकी अभी मैं दीपू और विक्रम रह गए हैं पीछे, बाकी स्कूली बालक थोड़ा थोड़ा सामान लेके ऊपर पहुंच गए हैं। जो मेरा मुख्य बैग था जिसमें कैंटीन का सारा सामान था वो हमारे बल्लू भाई लेके गए हैं, बाकी बदलते रहेंगे आगे। और दीपू और आशू आज गए हुए थे कनप्रयाग लाइसेंस लाने दीपू का, तो दीपू भी यहाँ से लाइसेंसधारी बन गया है। मोटरसाइकिल और कार के जो हैं बिल्कुल हैवी वाले ड्राइवर बन गए हैं। तो चलिए करते हैं यात्रा शुरू, और ऊपर जहाँ पे विश्राम करेंगे, जलपान की व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए, कोल्ड ड्रिंक नमकीन की। और ये देखो ये ऊपर पहुँच गए हैं स्कूली बालक, तो दौड़े विश्राम ग्रह पहुँच चुके हैं। कोल्ड ड्रिंक नहीं रे, खेल पी थी कोल्ड ड्रिंक, तो दगड़ियों सौर ऊर्जा जल गई है, हम भी हो गए हैं तैयार घर जाने के लिए, और वो देखो सामने विद्यार्थी लोग। चलो दगड़ियों अब करते हैं यात्रा घर की, जय हो माँ भगवती। दगड़ियों पहुंच गए हैं गांव की दहलीज में, और ये पीछे से विक्रम भाई, तो बालक लोग जो हैं वो नाना बहुत साथ दिया उन्होंने यार, टावर के वहाँ से शॉर्टकट रास्ता है एक, वो उस रास्ते से निकल गए हैं, और ये सामान फिर उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया था। तो बस अभी हम भी पहुँच ही गए हैं दहलीज में, मेरे पास विक्रम भाई का सामान है, मेरा बैग उनकी पीठ में, और उनके पास सामान देखो ये सब कुछ। चलो चलते हैं, ये इकट्ठा तो ये किधर दिया है आज, ये राहुल उनके घर रख दिया इकट्ठा, कितनी रात को इतना सामान लेके जाएगा कैसे। हेलो, अरे विक्रम के ना कटल भोप ले जा रहा हूँ, या पिछू कटल ही में, अब मैं ज्यादा खेल सामान है मैं अंदर भी तो आ भाई पूरे बुला दे ले बाबा का हो रे क्या बस ये पसीना हो जा हेलो क्या हो पसीना हो जा फौज साहब एक तुम अरे यू अब तक तो स्कूल ना लिया अब हमें हिम्मत नहीं अरे यार ये परदेसी आदमी मैं तो कह पहुंच पहन दियो मणि पहन दियो या परदेसी आदमी पहुंची कमजोर कमजोर तेलू तगड़ा कमाए देख तेलू वे यू साइज भाई उठे के लिए यार भाई क्यों उसकी ऐसे ऐसे कर रहा है इधर भी ये देखो दगड़ियों अच्छा तो कट कट ये हाल है इनके देखो अरे उठा ले बाबू उठा ले उसको उसके टायर घिस रहने देगा घिसा देगा हाँ जी उठा ले भाई आज आज टायर काम खराब करना है मतलब अरे उठा ले रे उठा ले भाई मैं आ चुका त्यावर मन त्यार छुट्टी देख विक्रम सिंह अपना छुट्टी रोए छुट्टी हम चल ठीक है चल ओके बाय ओके ओके बाय ये बे विक्रम यार पूरा देख शिवे है कुए इंगे खिचिया ओ तो चल चल रवे लिए इधर आ गया ये वो टायर पे लगी सर मां कसम जैसे 50 रुपए काटेंगे इस चीज के ऐसे रखना फिर ऐसे अच्छा लग रहा हो पहुंच गए हैं अपनी बाखली में बहुत बुरे हाल है अगर मालकोट से लेके आना पड़ता हमको ही तो हालत ही ख़राब हो जाती वो तो
शुक्र है स्कूली बालक मिल गए थे हमें। पौर तक छोड़े पौर तक प्लीज, सीधा सीधा आगे सीधा आगे। ये हाल जी खुद टूटी जा सुधर। क्यों क्या चल नख रखी दीपू सिंह? ये क्यों क्या हुआ कुछ है ना कि ड्रामा की उठाए तब तुम घू खोल था घू मारे रोल में क्यों ले गई? ओ ओ बिस्तु जी ओ चलो ठीक ठीक है बिस्तु जी अभी खाना बनाने में व्यस्त है ले सामान ख्याल करके देना। हे पापा एक दो तीन जैसे राम साबुन हूँ आए विक्रम चले आप उठियो चलो दौड़ियो। फिलहाल थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश हो जाते हैं, मुँह हाथ धो लेते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, फिर दिखाएंगे आपको क्या क्या सामान लेके आए हैं कैंटीन से। तो दगड़ियो ये है कैंटीन का सामान, ये सफोला है, उसके बाद दो सरसों का तेल, फिर ये मिल्क मेड कुछ, ये कुछ किसान जैन। ये तो इस बैग का कवर था जिस बैग में मैं सामान लेके आया था, बाकी फिर कुछ इसमें टॉफियाँ हैं, कुछ मसाले हैं, कुछ ये है शेजवान चटनी है, कुछ ये बिम्बार टाइप है। बाकी आज ये है हमारे कमरे की हालत, ये सारे आपको गर्म कपड़े दिख रहे होंगे, तो आज सारे गर्म कपड़े निकाल कर बाहर सुखाए थे, सुखाने के बाद इनको फोल्ड किया गया है। अब क्या करेंगे कि इनको निकाल देंगे बाहर, ठंडे कपड़ों को कर देंगे हम पैक। तो दगड़ियो आप सभी ने कमरे की स्थिति भी देख ली है, क्या हालत हो रखी है कमरे की, क्योंकि जितने भी गर्म कपड़े थे सारे आज माता लोगों ने सुखा के यहाँ पे फोल्ड करके रख दिए हैं। अब सर्दियों के कपड़े बक्से में पैक हो जाएंगे, ये कपड़े अब आम चलन में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आज आपने देखा मैंने जो है बिल्कुल मोटी एकदम एक हुड पहन के रखा हुआ था पूरे दिन, क्योंकि ठंड शुरू हो गई है, सुबह उठ के तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। बाकी कैंटीन से यही कुछ सामान लेके आए थे, कुछ तेल लेके आए, कुछ ये कुछ वो ऐसा ही कुछ था। बाकी यही रहा, अगर स्कूली वालक नहीं होते तो आज तो मेरी और विक्रम की ऐसी हालत ख़राब होनी थी ना सामान लाने में, और हो भी सकता है कि हम सामान ना भी ला पाते, है ना, वो सामान हमको वहीं छोड़ना पड़ता आजा। तो चलिए घर पहुँच चुका हूँ, अब भोजन करने की बारी है, भोजन करने चलते हैं नीचे, और इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को समाप्त। उम्मीद ये करता हूँ कि ब्लॉग देख के आपको अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो पे लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।